हाय फ्रेंड, मैं हूं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, मैं जो बात करने वाला हूं कि कुछ ऐसा फॉर्म है जो ज्वाइन लेटर जो आया है उसमें एक दो ऐसा फॉर्म है जो किसी को समझ आ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको आज डिक्लेयर करूँगा। और साथ ही कुछ मैसेज आया है रेलवे की तरफ से कि ज्वाइनिंग लेटर कब है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे कि देख रहे हैं ना, ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इस जो है ना देख रहे हैं, ए 1 2 3 4 5 पे दिया गया है 7, तो इस सभी में किसी से एक में आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको बनाना, यहाँ देख सकते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड जो दिया गया है, इस तरह का आपका फॉर्मेट आया होगा रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे भराएगा, नाम भराएगा, ये जो है ना सारा जहाँ पे आप बनवा रहे हैं ना मैट्रिक जहाँ पास किए हैं वहाँ पे आपको बनवा देगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए फॉर्मेट को, नहीं तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसमें। और एक बात और है कि यहाँ पे जो है ना देख रहे हैं ना मोहर सील, यहाँ पे आपको सील मरवा लेना है। यहाँ पे तो दिया गया ही है और यहाँ पर भी आपको एक सील मरवा लेना है फ्रेंड। इस तरह से आपको ये पूरा बनवा लेना है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए फिर आगे दूसरा फॉर्म चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको इस तरह से बनाना है। चलिए मैं इसको आपको जूम करके बता रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जूम मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये बनवाए हैं, आप ITI कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो सर्टिफिकेट होता है जिस कास्ट में आप आते हैं, OBC SC ST जो भी में आप आते हैं ना, तो उसका सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। अगर आप साउथ सेंट्रल रेलवे से ना तो आपको इंग्लिश फॉर्मेट में ही बनवाना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट में जाते हैं। और फ्रेंड आपको जो नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ ये है, आप देख रहे हैं ना, ये है एक सर्टिफिकेट है क्या चीज़ का, तो ये है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपको इस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप SCR में है यानी साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्लाई किए हैं, सिकंदराबाद में आपका ज्वाइनिंग हुआ है लालागुड़ा में, तो आप इस तरह से आप बनवा लीजिएगा। क्योंकि मैं जब भी गया था वहाँ पे तो मैंने भी सेम ऐसा ही बनवाया था। आप वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका नाम बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप इस तरह से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपना बना सकते हैं। चलिए इसको जूम करके मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जरी, ठीक है। तो इस तरह का आपका फॉर्म जो है जो हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा, सिकंदराबाद हॉस्पिटल आप जाइएगा ना वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। 5 रुपये में फॉर्म देता है, 5-10 रुपये में आप ले लीजिएगा और वहाँ पर आप सर्टिफिकेट ये बनवा सकते हैं। और फ्रेंड आज जो मेन मुद्दा की जो बात करेंगे ना, आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट को, आज ही मैसेज आया है 6 बजे शाम को, ठीक है ना। और जो मैसेज है आप देख सकते हैं, एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट यू आर हैव बी इन्फॉर्म डैट द डेट फॉर कमेंटमेंट ऑफ ट्रेनिंग फॉर एक्ट अप्रेंटिस अलाउड टू कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा विल बी डिसाइडेड आफ्टर 15 सितंबर 2020, प्लीज़ वेट फॉर SMS फ्रॉम दिस ऑफिस फॉर इंक्वायरी कॉल। देखिए बोल रहा है कि आप जो है इसमें आप कॉल कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं ना 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ही आप इसको कॉल कर सकते हैं। और ये इन्होंने ये नंबर वैलिड कर दिया है, ठीक है। और ये बोला गया है कि 15 सितंबर 2020 तक, ठीक है ना, आप वेट कीजिए और आपको SMS के जरिए ऑफिस से आपको मेल किया जाएगा। तो फ्रेंड अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो मैं पहले जो दिखाया था अभी, वो सारा सर्टिफिकेट जो है आप बनवा के पहले से ही रखें, आपको कभी भी कॉल मैसेज जा सकता है और आप रेडी रहिए, ठीक है। बस आज यही मुझे इन्फॉर्म करना था कि ये सब सारा सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और ये SMS जो आपको आया है उसको ध्यान में रखिए। और सारा एक भी चीज़ आपको कन्फर्म मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें कोई भी फॉर्म में, ठीक है ना, नहीं तो वो आपको दोबारा भेज भी सकते घर। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।